है तो रिलैक्सेशन नहीं होती इसके बगैर. अब फॉर एग्जाम्पल किसी की रिलैक्सेशन हो जाती है, बहुत थकन है अम्मा की गोद में लेटने से. यकीन माने जब मैं बहुत थकी होती हूँ तब जाती हूँ अपनी अम्मी की गोद में, जरा देर लेटती हूँ, मेरे सर पे हाथ फेरती हूँ, फिर उसके बाद ओ ग्रेट जबरदस्त एक एनर्जी सी आ जाती. किसी की जो एनर्जी है वो दोबारा बूस्ट हो जाती है थकन के बाद. चंपी से एक तेल मालिश, चंपी करवा लो और फिर आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं. अच्छा किसी की एनर्जी आ जाती है ब्लैक कॉफी पीने, सीरियसली ब्लैक कॉफी पीने से बहुत अच्छी एनर्जी आती है. और मुझे तो किसी ने बताया है ब्लैक कॉफी के अंदर आप कोक या पेप्सी कुछ भी ऐसी चीज मिला लें तो आपकी नींद गायब हो जाती है. एक दूसरे का सब कुछ पता लगे. वी वर शेयरिंग अ रूम. नहीं तो तुम जबेलिया के साथ भी गए. आई वॉज इन US तो आई मेट जे. ये क्या तुम लोग ड्रामे करने जाते हो? नहीं 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 ये हम लोग सीरियस ट्रेवलर्स हैं. साल में मैं तो पूरा एक वो बनाती हूँ बजट के, इस साल मुझे इस जगह जाना है क्योंकि मैं अकेली तो हूँ नहीं. आपको पता है मेरे साथ एक गॉडज़िला भी है तो वो वहाँ जाके ना मुझे उस हिसाब से पैसे जो है वो करने पड़ते हैं कि ये गॉडज़िला कितना खर्च करेगा. वो अलग होता है तो इसलिए हम बजटिंग के हिसाब से करते हैं. हम US जब गए हैं वी हैड सो मच फन. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. अच्छा हम वीडियोस दिखा के बात करें. हाँ प्लीज. सीरियस जी की कोई तस्वीर नहीं है ना. US पिक्चर्स हैं और तक ब्लेसिंग है ना कोई खानदान वाला कहीं होता है. नहीं एक्चुअली सब लोग शिकागो में. मेरी तुम्हारे पूरे ननियाल या क्या? ननियाल. और ये तुम्हारे भाई कजिन ज्यादा सब मेरी खाला के बच्चे हैं और वहाँ एक्चुअली मेरी तीन खाला हैं शिकागो में. सुनो तो खानदान वाले होते हैं किसी जगह तो आप घूम पाते हैं या बस खानदान वाले? नहीं सबसे ईजी होता है क्योंकि खानदान वाले ही आपको सब घुमा रहे होते हैं. और मेरे इतने सारे वहाँ कजिन हैं कि वो लड़ाइयाँ होती हैं हम लेके जा रहे हैं हम लेके जा रहे हैं हम. अच्छा लेकिन मेरे खानदान ननियाल जो जर्मनी में, तो जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो मेरी किसी के घर दावत होती है किसी के घर, तो मेरे 6-7 दिन तो दावतें करने में गुजर जाते. आपके खानदान वाले अच्छे दावतें करते हैं, हमारे वाले दावतें नहीं करते हैं. तो वो घुमाने के चलो तुम इधर रहोगी याद यहाँ होगा हम यहाँ रख जगह से. लेकिन भाई जब आपको नहीं भी आता तब भी मैं आपके पैर में यार जबीरे हर वक्त पाजेब कड़ा क्या उतार कुछ दिखाऊं मैं? नहीं नहीं मैंने दिखा दिए उतार के दिखा. ओ ये ओ माय गॉश लुक. देखिये पता है ये बहुत जरूरी है कि ऊपर से खातून जो है बहुत सजी सवरी और नीचे से एड़ियां फटी. हाँ प्लीज नहीं ये अच्छा नहीं इम्पैक्ट देता. तो ये मैं दिखाने की रीजन ये है कि आपको जिस तरह जबेरिया ने मेंटेन रखा हुआ है अभी से नहीं तब से जब अंजला पिद्दू सी थी और पैदा भी नहीं हुई थी तब से जवेरिया के हाथ पैर इसी तरह कड़े कभी पाते कभी वो नूपुर भी होता था. हम छोटी सी अंगूठी भी पैरों में होती. तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही है. आपने क्या किया? मैं हार्डली पाकिस्तान में होती हूँ. तो ट्रैवल पार्टनर कौन है? किसके साथ ट्रैवल? नो वन एक्चुअली. आई ट्रैवल अलोन. मैं अपने साथ बहुत, आप जितनी भी अभी वीडियोस मेरे देखेंगे तो वो सेल्फी वीडियोस ही होंगे. और मैं खुद बहुत इंजॉय करती हूँ अपने साथ. ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बिकॉज पाकिस्तान में मैं कहीं भी नहीं जाती. नो गेट टुगेदर्स, नो पार्टीज, नथिंग एल्स. तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मेरे काम से तो मैं आई. इसका मतलब आप भी हमारी बहन है कि मैंने मेरी जिंदगी का मकसद ट्रैवलिंग. ये चक्कर. तो आज सारे ट्रैवलर इकट्ठे हो हम सब एक दूसरे के साथ बैठेंगे. जहाँ जहाँ ये गए जहाँ जहाँ मैं गई हूँ हम सब एक दूसरे से चीजें शेयर करेंगे. ट्रैवलिंग से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है. तो प्लीज इस प्रोग्राम को ना गलत मत ले लीजिए. मैंने कहा मुशापा कसम लेने में अकेली हूँ. नहीं ये तस्वीरें कौन कैसे रहे? अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं सड़क पे जाते हुए लोगों को रोक रोक के रिक्वेस्ट करे कहती हूँ यार प्लीज दो तीन तस्वीरें. ज्यादातर मेरी सेल्फी हैं और अगर जो सेल्फियां नहीं भी हैं वो मैं लोगों से कहती थी कि यार प्लीज तस्वीर खींच. अच्छा देखिए हर दफा तो अच्छे लोग नहीं मिल सकते. कभी कभार नहीं बेइज्जती हुई होगी. उसका किस्सा मैंने पूछना है. कभी तो हुई होगी ना बेइज्जती. कोई भी जबान बोल के निकल गए. बेइज्जतियां भी मैं पूछूंगी कि ट्रैवलिंग लड़कियों के लिए कोई भी आ जाता है पिक्चर्स लेने स्पेशली अगर आप थोड़े नहीं अगर आप कपड़े नहीं नहीं कभी ऐसा तो लड़कियां लड़कियों को ही बोल देती हैं. हाँ. तो कोई बुढ़ी खवातीन होती हैं जो बड़ी चिड़चिड़ाहट लड़के आई होती है अपने मियाँ से वो सारा गुस्सा इधर निकल जाता.